दुनिया की जो अन्य संपत्तियां हैं उनकी उपलब्धि तो अनायास ही हो जाया करती। कभी कोई तीव्र पुण्य आ जाए, स्टॉक में हो, पहले का स्टॉक में हो और वर्तमान में वो तीव्र पुण्य आ जाए तो अकल्पित ही लौकिक संपत्ति की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन दस लक्षण आ जाने पर भी दस लक्षण की उपलब्धि वो किसी पुण्य के प्रताप से नहीं होती। उसकी उपलब्धि ज्ञान के प्रताप से होती है, क्योंकि आत्मा की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, निधि है, वो ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा जब तक इस पर्व का महत्व न समझा जाए और इस पर्व के संबंध में बहुलता से जो चर्चा की जाती है कि ये पर्व दश धर्मों से संबंधित है और इसमें दश धर्मों से विपरीत, दश धर्मों को उत्पन्न नहीं होने देने वाले ऐसे जो दस प्रकार के विकार हैं, उन विकारों से मुक्त होने का उपाय किया जाता है और वह उपाय हम करते देखे जाते हैं। अनेक प्रकार का उपाय करते हैं, लेकिन इसका जो सही उपाय है उसका एक क्रम है। सच्चाई है ये कि किसी भी विकार से, किसी भी व्याधि से मुक्त होने का एक क्रम होता है। उसी तरह इन विकारों से मुक्त होने का भी एक क्रम है। कुछ लोग तो ऐसा उपाय करते हैं कि जैसे कोई व्याधि हुई और कुछ समय के लिए उसके दब जाने के लिए, उसके शांत हो जाने के लिए एक औषधि ले लेते, लेकिन वह व्याधि निर्मूल नहीं होती, जाती नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर पड़ी रहती है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। क्रोधादि भावों से प्रथम तो हम दुखी हुए ही नहीं। हमने जितना कुछ कहा कि भगवान हम बहुत दुखी हैं और हमने इन दस प्रकार के विकारों के विरुद्ध दस प्रकार के धर्मों की उपासना, उनकी पूजा, उनका आदर बहुत किया, लेकिन यह सब करने पर भी क्रोध ज्यों का त्यों बना रहा, मान ज्यों का त्यों बना रहा, सभी कुछ ज्यों का त्यों बना रहा, जीवन में एक इंच भी हम हिल नहीं पाए। रोज भगवान जिनेंद्र को भी देखा, उनके दर्शन भी किए, उनके गुणों का अनुवाद भी किया, उनकी भक्ति भी की, ये सभी कुछ करने पर भी आखिर जितनी जितनी दवा की रोग उतना ही बढ़ता गया। हम जितने भी बरस के हों उतने ही वर्ष हमने दस लक्षण पर्व मनाए। हम गर्भ में भी रहे हों तो हमारी माँ ने मनाए, लेकिन मनाए ना। पर ऐसा क्यों हुआ? सचमुच तो सच्चाई तो यह है कि यदि हमने कोई व्यवसाय किया है तो हम उसका मूल्यांकन एक वर्ष में तो अवश्य कर लिया करते, और यदि उसमें हम आगे नहीं बढ़ते, नुकसान होता है, तो हम या तो
उसके संचालन में भूल कर रहे हैं अथवा वो व्यवसाय ही नुकसानदायक है तो हम उसको बदल देते हैं। पर हमने आज तक ये क्यों नहीं किया? जब हमने ये देखा कि हमारे सारे विकार इन पर्वों के आने पर भी और इनको बड़े सुंदर ढंग से विदा देने पर भी, इनकी पूजा और उपासना करने पर भी ये विकार कम क्यों नहीं होते हैं, इसका निदान एक अच्छे चतुर चिकित्सक की तरह जैनाचार्यों ने किया। प्रथम तो ये बात समझ लेना चाहिए कि ये धर्म 10 प्रकार के कहे गए हैं, उसका तो एक कारण है कि इनके अवलंबन से इनका यशोगान करके और कुछ किसी प्रकार इनमें कमी लाकर हम ये 10 लक्षण पर्व मना लें, तो ऐसा हम कर लेते हैं। तो इसलिए 10 नाम इनके कहे गए वे सचमुच तो विकार की ओर से इनके 10 नाम हैं, विकार के अभाव की ओर से इनके 10 नाम हैं। ये धर्म की 10 तरह की पर्याय नहीं है। एक सुनने की है बात कि हम 10 तरह के मानते हैं, क्षमा अलग प्रकार का धर्म है, मार्दव अलग प्रकार का धर्म है, आर्जव अलग प्रकार का धर्म है, लेकिन यह सारा का सारा एक ही चारित्र की जो शांत दशा है, जो वीतराग दशा है, उसमें ये 10 के 10 गर्भित हो जाते हैं। सचमुच उनका एक नाम स्वरूपाचरण चारित्र है, जिसमें आत्मा में अंतरलीनता होती है, आत्मा में जो सुख का और आनंद का दह भरा हुआ है उसमें हमारा आत्मा, आत्मा की पर्याय लीन होकर उसका रसास्वादन करती है, उसका नाम चारित्र है। चारित्र मन स्थिरता, लीनता। जैसे हम जगत के भोगों में, 5 इंद्रियों के विषयों में हम अपने ज्ञान को और अपने ध्यान को लीन करते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक वस्तु है, क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा स्पष्ट उसका अस्तित्व भासित होता है, ज्ञान और चीजों में नहीं है। हम किसी इस घड़ी के लिए कहें तो ये घड़ी चलती तो है लेकिन यह नहीं जानती कि मैं चलती हूं, घड़ी में कितने बजे हैं ये घड़ी स्वयं नहीं जानती। तो हम ये बात स्वीकार करते हैं कि जगत में ऐसे 2 पदार्थ तो हैं जिनमें कुछ नहीं जानने वाले हैं और कुछ जानने वाले हैं, जिनमें ज्ञान है, ज्ञान जिनका स्वभाव ही है, जो ज्ञान के ही बने हुए हैं, जो ज्ञान से कभी वंचित नहीं हो सकते, जिनका ज्ञान कभी छीना नहीं जा सकता। जैसे अचेतन पदार्थ की अचेतनता और उसका स्वभाव, वो कभी छीना नहीं जा सकता। एक अचेतन को कभी किसी ने आज तक चेतन नहीं बनाया। एक पत्थर की प्रतिमा बनाकर उसे कोई कितना ही समझाए लेकिन उसको वर्णमाला भी नहीं आएगी। और एक चेतन तत्व सहित कोई बालक है, उसे यदि समझाया जाए तो उसका शरीर नहीं समझेगा, उसकी इंद्रियां नहीं समझेंगी, लेकिन उसके भीतर पड़ा हुआ जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व, जो ज्ञान का ही बना हुआ है, वह समझ जाएगा। इसलिए वह एक भिन्न चीज है। तो वो ज्ञान जब अंतरलीन होता है ये समझकर कि मेरी जो सत्ता है वो महामहिमामय है, जैन दर्शन ही यही है असल में, कि जब जीव को लेकिन हम ये मान कर ही बैठे हैं कि ये नहीं होते हैं, इन जड़ पदार्थों को बनाया, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है।
जब आत्मा स्वयं सुख और आनंदमय पदार्थ है, जैसे नमक का जो स्वरूप है वो खारा है, वो स्वभाव ही है उसका, वो उससे अलग नहीं किया जा सकता। मिश्री मीठी ही होती है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह जगत में आत्मा भी एक ऐसा तत्व है कि जिसको ज्ञान और सुख से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो हमें तो आत्मा से ज्ञान और सुख कभी मिला नहीं, मिलता तो तब जब हम निकालते, वो जहां है वहां हम जाते और फिर उसे निकालते तो अवश्य पा लेते। लेकिन भूख लगी है और हम उसके लिए बाथरूम तलाश करते तो भूख कैसे मिटेगी, क्योंकि जो भोजन है वो तो रसोई में रहता। इसी तरह आत्मा को जो सुख की भूख है उसको मिटाने के लिए वो जगत के पास तो जाता है, लेकिन उस मृग की तरह कि जिसके भीतर कस्तूरी भरी है और उसकी सौरभ से वो पागल हो रहा है, लेकिन उसकी सौरभ के लिए वो घास सूंघता है और घास में ढूंढा करता है। वो सुगंध उसको घास में कहां से मिलेगी, क्योंकि वो तो उसके भीतर से आती है। इसी तरह पहले इस आत्मा नाम के, चैतन्य नाम के पदार्थ का इतना मूल्यवान और इतना महिमामय अस्तित्व तो हम स्वीकार करें कि ऐसे पदार्थ स्वयं हम हैं। जैसे बहुत पैसा हो किसी के पास अटूट, तो क्या उसे भीतर से ऐसी गर्मी नहीं होती, ऐसी खुमारी नहीं होती कि मेरा कभी क्या बिगड़ सकता है और मैं कष्ट कैसे पा सकता हूं, और ये मेरे पास तो अटूट है तो ये बीत कैसे सकता है। उसको हमेशा उसका गौरव, भले ही वो बाहर नम्रता से बात करे कि मैं तो आपका सेवक हूं, हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, ऐसी बात करने पर भी भीतर का जो गौरव है उसका, वो कभी भी अपनी धारा को तोड़ता नहीं। इसी तरह है यदि आत्मा स्वयं एक ऐसा पदार्थ है, कीमती पदार्थ, महंगा पदार्थ, कि जिसमें महंगी से महंगी चीजें भरी हुई हैं, अगर ऐसा तत्व है और वह ज्ञान के द्वारा स्पष्ट अनुभव में आता, ज्ञान स्वयं ये जानता है कि मैं जानने वाला हूं, फिर और आत्मा किसको कहते। हम आत्मा को तलाश करते फिरते और आत्मा के संबंध में शंका करते हैं। श्रीमद राजचंद्र ने तो इस पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि आत्मा की शंका करे आत्मा पोते आप, शंका न कर नारते अचरज ये अमाप। कि ये शंका करता है, एक आदमी ये शंका करता है कि मैं हूं या नहीं, तो जो स्वयं आदमी है उसके माता पिता हैं, उसका जन्म हुआ है उनसे, उसे अपना परिचय नहीं, इसका अर्थ कि वो पागल है, वह मतवाला है, उसने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया। इसी तरह है आत्मा में तो स्पष्ट है सब कुछ, जितना कुछ भरा हुआ है उसमें सारा हमारे अनुभव में और ज्ञान में भले ही ना आता हो, लेकिन ऐसी विलक्षण और ऐसी बहुमूल्य जो शक्तियां हैं, संपत्तियां हैं, वे यदि उसमें हैं, तो ये अनुमान बहुत आराम से किया जा सकता है कि इस यह तो कोई महाधनी पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि इसके ये लक्षण ही ऐसे हैं। इसमें ज्ञान और आनंद जैसी ऐसी अनूठी चीजें जो सारे जगत में कहीं उपलब्ध नहीं होती, वे इसमें भरी हैं, तो यह कोई महापदार्थ होना चाहिए। जैसे हम किसी के यहाँ गए और हमने देखा कि उसके पलंग के जो पाए हैं वे सोने के हैं, तो ये देखने से हम उसकी संपत्ति का अनुमान नहीं कर सकते कि जिसके पलंग के पाए सोने के हों और जिसकी डाइनिंग टेबल के पाए चांदी के हों, और चांदी और सोना ही जहां पद पद पर बिखरा हुआ मिलता हो
आपको इलायची और सुपारी भी रखी जाए तो वो भी चांदी का पात्र, हमको भोजन भी रखा जाए तो वो भी चांदी और सोने के पात्र। तो क्या हम ये अनुमान नहीं कर सकते? सच्चा अनुमान, अटकल नहीं लेकिन निश्चय, उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के अनुमान के द्वारा हम ये निश्चय कर सकते हैं कि यह कोई अटूट संपदा वाला व्यक्ति। इसी तरह आत्मा में सारे जगत में नहीं पाई जाने वाली जो महाविलक्षण निधियां हैं, आनंद और ज्ञान जैसी, ये अगर केवल आत्मा के पास मिलती हैं तो हम उसके अनंत निधानों का अनुमान कर सकते हैं। और शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि आत्मा अनंत शक्ति संपन्न पदार्थ है, सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति की उसे कहां जरूरत है, उसे अचेतन की शक्ति की कहां जरूरत है। चेतन के पास तो केवल चैतन्य की शक्तियां चाहिए और वो उसके पास पूरी की पूरी है। इस तरह आत्मा का निश्चय जब तक ना हो तब तक ये दस लक्षण पर्व मने भी कैसे, हम कहां मनाएं इनको, मंदिर में मनाएं, पूजा की थाली में मनाएं, या स्तुतियों के बोलों में हम इनको मनाएं, कहां मनाएं इनको? दस लक्षण पर्व रहता कहां है, किस जगह रहता है? कि दस दिनों में रहता है और कहां रहता है, इसके बाद चला जाता है। तो जिसका चला जाता है तो उसके पास रहता ही नहीं है, ऐसा उसको निश्चय है। सच्चाई यह है कि हर जीव के पास दस लक्षण महापर्व रहता है, हर जीव के पास, लेकिन उसे स्वीकार ही नहीं है, उसे मंजूरी नहीं है। जिसे अपनी निधियां मंजूर नहीं है, उसकी थाली में लूखी रोटी नहीं आएगी तो क्या होगा, घी और शक्कर कैसे आएंगे? जिसे निधियां मंजूर नहीं है होते हुए भी, अथवा मालूम नहीं हो, भूला हुआ हो, बचपन से ही घर से, अपने बहुत बड़े संपत्तिशाली घर से निकल गया हो और होटल में जाकर कप तश्तरी धोता हो और बहुत बड़ा हो गया हो ऐसा करते करते, उसको कहा जाए तू तो अटूट निधानों का स्वामी है, मेरा मजाक करते हो। इसी तरह आत्मा को ये कहा जाए कि तू साक्षात वर्तमान में सिद्ध परमात्मा और भगवान है, मेरा मजाक करते हो, मैं इतना दुखी, संसार में रुलने वाला, इतना कष्ट पाने वाला, मेरे भीतर सुख कहां से आया? तेरे भीतर यदि सुख है ही नहीं तो फिर वो आने वाला भी नहीं है। जैसे बालू में से तेल चाहे कितनी ही पिलाई उसकी की जाए लेकिन वह कभी उपलब्ध होने वाला नहीं, लेकिन आत्मा तो पूरा का पूरा, जैसे ये कलाकंद है तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, लेकिन जिसके मुंह में कुटकी है, कड़ी कुटकी, वो उसने खाई है और मुंह कड़वा है तो वो उसका ग्रास लेता है तो उसे वो कड़वी लगती है, बोले कड़वा है कलाकंद, ठीक नहीं है कहते, लेकिन कलाकंद कड़वा है, हुआ है कभी? इसी तरह हम कहते हैं कि आत्मा दुखी हो गया है, आत्मा अज्ञानी हो गया है, ये बात एक ओर से देखी जाए तो सही मालूम होती है। दुख है तो सही, हुआ तो है, अज्ञान भी पैदा हुआ है, और वो सिर्फ इतना कि आत्मा अपने निधानों को भूल गया। आत्मा आत्मा करे उससे आत्मा की महिमा नहीं आती। सच्चाई तो यह है कि आत्मा के जो उपादान हैं, उसके भीतर जो अनमोल अमूल्य सामग्री, कीमती सामग्री उसके भीतर भरी हुई है, जब तक उसको न समझा जाए तब तक उसकी ओर कौन मूर्ख जाएगा? क्या करेंगे हम आत्मा को प्राप्त करके, फूटे ढोल को कि जिसमें कुछ है ही नहीं? तो आत्मा को समझा ही ऐसा गया है, इसलिए उसका जितना भी, उसके संबंध में किया जाने वाला जितना भी क्रियाकलाप है वो सब बाहर रह जाता है, और भीतर से आत्मा स्वयं अपने से शून्य रहता है,
विस्मृत रहता है, अपने निदानों को भूला हुआ रहता है। एक बार इस बात का निश्चय हो जाए, जिनवाणी से हो, सदगुरुओं से हो, गुरु सच्चे हो, अच्छे हो, सही मार्ग बताने वाले, आत्मा को जानने वाले, आत्मा की अनुभूति वाले, और जिन्होंने आत्मा का स्पष्ट ज्ञान किया है, ऐसे गुरुओं से हम सुने, ऐसे गुरुओं से सीखें, तो आत्मा का स्पष्ट भान हमको हो सकता है। तो ऐसे आत्मा के उस स्वरूप को यदि जाना जाए तो सचमुच उसकी महिमा हमको आ सकती है, और तब वे पदार्थ जिनकी ओर बार बार हमारा चित्त जाता है, विकल्प ही उड़ते हैं तो उन पदार्थों के उड़ते हैं। दिन भर का धंधा हमारा देख ले, हम क्या होता है, दिन भर किनका विचार आता है, दिन भर किसका विकल्प आता है, क्या कभी ये विकल्प आता है कि इन सारे जड़ पदार्थों की अपेक्षा मेरे पास कुछ ऐसे विलक्षण निदान हैं कि जो इनके पास न है न कभी होंगे, और मैं ऐसा महामहिम पदार्थ हूँ। ये एक बार जिसको गौरव आवे तो वो कभी उसको भूल नहीं सकता। इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं जगत का महापदार्थ, मेरे से उत्कृष्ट पदार्थ इस जगत में कोई नहीं है। ये घमंड नहीं है, घमंड भी हो तो अच्छा घमंड है। अरे जो अपने पास है स्वाभाविक, कहीं से लाया नहीं गया है, किसी से लाकर नहीं कुछ काम किया गया है, लेकिन जो उसका स्वरूप ही है, उसे वो बना हुआ है, तो उसे अभिमान नहीं कहते, लेकिन उसे तो उसका गौरव कहते। इसलिए आत्मा का गौरव, आत्मा का स्वाभिमान एक बार आत्मा के भीतर जागे तो इस पर्व का मंगल प्रारंभ हमारे भीतर हो सकता है। अन्यथा ये जो गीत हैं, ये गीत दूसरे के दूल्हे और दुल्हन की तरह ऊपर ही ऊपर रहते हैं। इनसे केवल पताशे मिलने वाले हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन तो मिलने वाला नहीं। कितने गीत गाओ और अपना कह कह कर गाओ, मेरा दूल्हा और मेरा वर और मेरा बना और मेरी बनी, लेकिन कभी नहीं बनी, बनी ही नहीं कभी। इस तरह हमारे भगवान और हमारे परमात्मा इत्यादि इत्यादि, हमारे पर्व, हमारे दस लक्षण, हमारे धर्म, भले हम कितना ही करें, लेकिन जब तक इनकी प्रतिष्ठा हमारे ज्ञान की वेदी में नहीं होती और हम इनका स्वरूप जब तक नहीं पहचानते, तब तक इनकी मंगल प्रतिष्ठा कभी हो नहीं सकती। और प्रतिष्ठाएं कर ले, भले पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं भगवान की हो जाए, वो भगवान की भी कही जाने वाली है, क्योंकि उनकी तो हो चुकी पहले सच्ची तो, लेकिन हमारी तो बिल्कुल होने वाली नहीं है। इसलिए दक्षलक्षण पर्व की महिमा एक बार आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करके प्रारंभ करें तो ये हो सकता है। अधिकांश तो जैन ऐसे हैं कि जो जैन दर्शन ही नहीं पढ़ते, उनको ये मालूम ही नहीं है क्या है ये चीज, क्या है। हमें तो वो अच्छा लगता है, अरे वो भी लगे तुम्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन तुम जहाँ पैदा हुए हो आखिर तुम उसे समझो, इतना तुम्हारा दायित्व तो हो जाता है, इतना कर्तव्य तुम्हारा नहीं होता। जिस घर में तुम पैदा हुए, जिस माँ से तुम पैदा हुए, जिस पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को, माँ को, परिवार को तुम कमाकर खिलाओ, ये कर्तव्य तुम्हारा नहीं होता? हो तो जाता है, हो जाता है। तो जिस कुल में तुम पैदा हुए और नहीं, तो तुम उस धर्म की परीक्षा तो करो कि अनेक जो लोक में कहे जाते हैं उनकी अपेक्षा इस जिस धर्म के बीच में मेरा जन्म हुआ है, मुझे ये बिल्कुल विरासत में मिला है, तो इसका क्या स्थान है अन्य की अपेक्षा। यदि ये हमें प्रिय लगे, अच्छा लगे, हमारी पराधीनताओं का अंत करने वाला, हमारे कष्टों को निर्मूल कर देने वाला यदि हमें लगे, तो हम इसको स्वीकार करें,
हमारी गरज हो नौ बार तो स्वीकार करे। ये धर्म क्या कहने वाला है? इसलिए आत्मा तो अपने धर्मों से सदा ही अलंकृत है सब कुछ। और ये जो कहे जाने वाले दस धर्म हैं, ये कोई धर्म की दस प्रकार की पर्याय नहीं है कि कभी आत्मा को क्षमा प्रवर्तित होता हो, कभी आत्मा को मार्दव प्रवर्तित होता हो, कभी आत्मा को आर्जव प्रवर्तित होता हो, लेकिन चारित्र का केवल एक वीतराग भाव प्रवर्तित होता है। उस वीतराग भाव को ही दस प्रकार से कहा जाता है। और उसका भी कारण है कि विकार के प्रकार अनेक होते हैं, लेकिन स्वभाव के स्वास्थ्य के प्रकार अनेक नहीं होते। बीमारियां अनेक होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य अनेक प्रकार के नहीं होते। सभी लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर 98.5 कि 98.5 होना चाहिए, सबका ही नॉर्मल यह है। तो सबका नॉर्मल मन औसत स्वभाव होता है, उसी तरह आत्मा का जो औसत स्वभाव है वो तो उसका वीतराग भाव है। और उस वीतराग भाव का जब हम विस्मरण करते हैं, जब उसको हम आनंदमय नहीं मानते, बल्कि वीतराग भाव एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा आचरण है वो वीतराग भाव। उस आचरण को हम समझ तक नहीं पाते कि ये भी कोई चीज हो सकती है क्या। वीतरागता जगत में पाप तो है और पुण्य भी है, लेकिन ये वीतराग भाव क्या चीज है इसको हम समझ ही नहीं पाते। पर वीतराग भाव तो भले ही उसकी परिभाषा हम नहीं समझ सकते हो, लेकिन लोकोत्तर बात तो बहुत दूर, लोक में भी जो वीतरागी है, निरपेक्ष है, वो सर्वोच्च माना जाता है। जैसे कोर्ट में एक तो वादी प्रतिवादी होते हैं, दूसरा वकील होता है और तीसरा जज होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? कि सब ये जज है सबसे बड़ा, ये जो कहेगा वो फैसला होगा। और ये जो लड़ रहे हैं वकील कहते नहीं, ये तो अपने अपने किसी से बंधे हुए हैं, किसी के आकर्षण में बंधे हैं। उधर पैसे के आकर्षण में तो बंधे ही हैं, लेकिन ये किसी से बंधे हैं। एक झूठ से बंधा है, एक सत्य से बंधा है, लेकिन उसमें इनका अपना कुछ नहीं है। ये सम्यक दर्शन में होता है ना कि देखा तो वो बहुत वस्तुओं के बीच में, परिग्रह के बीच में, संपत्ति के बीच में जाता है, लेकिन वह उनके प्रति निर्मोह होता है। हम समझते हैं सम्यक दृष्टि ऐसा कैसा होता होगा, ये इतनी चीजों के बीच में रहे और इतना सब कुछ करे, भोग भी भोगे, शादी विवाह भी करे और भी करे, लड़ाई झगड़े भी करे, कैसे होता होगा। तो हम पूछते हैं वो वकील कैसे होता होगा, वो सारा ही अपना अपना बोलता है कि सरकार मेरा केस यह है, ये उसका केस। अब उससे पूछोगे तेरा केस है क्या, और इसने मेरा मकान दाब लिया, तेरा मकान क्या? आप सुनिए तो सही। और जज सब समझता है। तो कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, ये तो सम्यक दर्शन की चर्चा हुई कि जिसको वकील की तरह किसी के प्रति राग तो होता है, फिर भी वो निर्मोह होता है, मैंने उसको ममत्व नहीं होती। भीतर से दोनों आए और दोनों ने हाथ मिलाए, वादी मरे प्रतिवादी मरे, इसके तो 1000 पक्के हो गए। क्योंकि वो जानते हैं कि जितना कुछ हो रहा है इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारा ना कुछ आना है और ना कुछ जाना है। सम्यक दृष्टि इसी तरह जगत के बीच में रहने की कला जानता है, जगत उसके भीतर नहीं रहता, वो जगत के भीतर रहता हुआ भी जल में नाव की तरह रह लेता है। क्या झगड़ा है उसमें, नाव जल में पड़ी रहती है, लेकिन पड़ी रहती है, एक बूंद भी पानी भीतर नहीं आना चाहिए। उसके आगे चारित्र की बात है कि जिस समय आत्मा जगत के सारे पदार्थों से निर्ममत्व हो जाए और केवल अपनी सत्ता में ममत्वशील हो जाए कि मेरा तो केवल इतना ही है,
ये जितना चैतन्य तत्व है उतना ही मेरा है, क्योंकि अन्य को मैंने अपना बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन एक भी नहीं बना, आज तक एक भी बना ही नहीं। बहुत रखने की कोशिश की, बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक भी मेरा बन नहीं सका। इसका अर्थ यह है कि बनना ही नहीं है। इस कुदरत का ये न्याय है कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सारे के सारे स्वतंत्र हवा में विचरने वाले, स्वतंत्र श्वास लेने वाले हैं। उनको बांधने की चेष्टा मत करो, उनको अपने ममत्व में बांधने की चेष्टा करते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अन्याय। किसी की एक इंच जमीन लेकर तो देख लो तो क्या होगा, लड़ लेंगे दो आदमी, बस इतना ही होगा या कोर्ट में जाएंगे। और यदि दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे की एक इंच भूमि ले लें तो कहते हैं युद्ध घोषित हो गया, बड़ा भारी। और उस एक इंच भूमि के लिए लाखों लोग अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। तो इसी तरह अतिक्रमण, ये जैन दर्शन की खोज, ये जैन दर्शन का अनुसंधान कि अतिक्रमण महापाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और उसका दूसरा नाम हमारे यहाँ मिथ्या दर्शन है, इसमें ये अतिक्रमण करता है, दूसरे पदार्थों पर अधिकार की चेष्टा करता है, कहता है ये मेरे हैं, ऐसा बोलता है। बोलता ही नहीं है बल्कि मानता है। बोले तो खूब भले ही, बोलने में झगड़ा नहीं, बोलते तो हम कई प्रकार से, लेकिन ये मानता है कि मेरे हैं, ऐसा भीतर से चिपक कर मानता है। और ये सबसे बड़ा अपराध जैन दर्शन ने स्वीकार किया, जहां अन्यत्र कहीं मिथ्या दर्शन नाम का पाप ही नहीं। वहां से तो धर्म का प्रारंभ होता है कि सारे जगत को भाई मानो, बस यही इतना ही अच्छा है, राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र का। पर ये तो बताओ कि आज तक राष्ट्र का कल्याण हुआ है क्या? इतने आए और इतने गए तो हुआ है क्या? तो हो ही नहीं पाया, फिर होता ही नहीं है किसी से। बस जो होता है वो सारा का सारा कुदरती होता है, सारे खेल ही कुदरत के, सारा का सारा, उन पर हमारा कोई अधिकार। इसलिए यहाँ तो इतना कहा जैन दर्शन ने कि आत्मा का एक परमाणु पर भी अधिकार नहीं है, उसे अधिकार करना भी नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना है कि उसे किसी पर अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों करे वो, जरूरत क्या है, क्यों झांके किसी की तरफ, झांके भी क्यों, वो देखे भी क्यों किसी की तरफ, क्यों, उसे क्या चाहिए उससे जिसकी ओर वो देखता है, जिसकी ओर वो देखता है उससे उसे कुछ नहीं मिलना है, जरा भी नहीं मिलना है। ऐसी एक भद्र व्यक्ति वृत्ति, ऐसी एक ईमान धर्म की वृत्ति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कि जहां जीव केवल अपनी सत्ता के प्रति समर्पित है, उससे जो प्रेम करता है, उससे जो ममत्व करता है, और ये मानता है कि मैं पूरा धनी हूं, निर्धनता मेरे भीतर है ही नहीं, मैं आनंद का कोश हूं, ये जो मानता है तो वो सम्यक दृष्टि है। अब बात वितरकता की आती है कि सम्यक दृष्टि को भी ये राग द्वेष तो होते हैं, घर में रहता है, सब काम भी करता है, सभी कुछ करता है, करता है, फिर भी उस वकील की तरह यह जानता है सारे के सारे पराये हैं। भले मैं मुंह से अपना बोलता हूँ, मेरा बालक है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, ऐसा बोलता है, लेकिन जैसा बोलता है वैसा उस वकील की तरह मानता नहीं है। तो क्या वो वकील झूठ बोलता है? झूठ नहीं बोलता है, पर समझाने के लिए ऐसी बात करता है। उसी तरह यहाँ भी लोक में भाषा तो जो बोली जाती है वही बोली जाएगी, लेकिन मानने की बात बिल्कुल विलक्षण प्रकार की, न्यारे प्रकार की है। सम्यक दृष्टि एक परमाणु मात्र को भी, परमाणु तो बहुत दूर, उसके भीतर उत्पन्न होने वाली जो विकारी वृत्तियां हैं, उन विकारी वृत्तियों को भी वो आत्मा नहीं मानता। उसका नाम सम्यक दर्शन। विकार किसको कहते हैं? विकार माने व्याधि, व्याधि माने कष्ट और आकुलता। उसको जो अपना माने, उसके साथ जो ममत्व करे, वो कौन सा बुद्धिमान है? इसलिए वे भले ही पैदा हुई हों, लेकिन
उसको उनके प्रति ममत्व नहीं होता। और ये ममत्व का टूटना वो उनकी मौत की निशानी है। विकार की मौत की निशानी क्या है? कि हम विकार का निदान कर लें और ये जान लें कि मेरा मेरे शरीर का जो औसत स्वभाव, जो आरोग्य है, जो स्वास्थ्य है, बस वो तो है जितना है, बाकी जितना कुछ है वो सारा का सारा व्याधि है और वह मेरा शरीर नहीं है। व्याधि और शरीर दोनों एक हों तो फिर व्याधि का नाश कैसे किया जाए? किया जाए तो शरीर का भी नाश हो जाए। इसलिए वो न्यारी है और मैं बिल्कुल न्यारा। मेरे भीतर उत्पन्न हुए जो विकार हैं वे सारे के सारे मेरे स्वरूप सौंदर्य से अलग प्रकार के, बिल्कुल अलग है सारे के सारे, ऐसा जानता है। और इसके बाद वह उस रहे सहे विकार का नाश करने के लिए वीतराग भाव की ओर पदार्पण करता है। तो सम्यक दृष्टि समझता है वीतराग भाव क्या होता है। जिसको सर्व जगत के प्रति ममत्व टूट गया तो उसको जगत में किसके प्रति राग और द्वेष करने लायक रहे, होते हो वो एक अलग बात है। जैसे वकील है तब तक उसको होता है, लेकिन जज बन गया तो अब भी होता है? नहीं होता है। जज के लिए कोई हार गया तो, अरे बेचारा हार गया, बड़ा गरीब था, इसको तो नहीं हराना चाहिए था, ऐसा अगर विचार आता है और किसी को मालूम हो जाता है कि इस जज के मन में ऐसे विचार आते हैं तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है कि तुम जज बनने लायक नहीं, क्योंकि तुम निरपेक्ष नहीं हो, तुम्हें निरपेक्ष होना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है, तुम्हारे लिए कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, तुम्हारे सामने संविधान है, तुम्हारे सामने ज्ञान है, तुम्हारा वो फैसला सर्वमान्य होगा और वही सत्य है। तुम किसी को हराते नहीं हो, तुम किसी को जिताते नहीं हो, तुम किसी को फांसी नहीं देते हो, तुम केवल ये सुनाते हो कि ये फांसी के लायक है, ये जज जाएगा फांसी देने, तब तो ये भी हत्यारा हुआ, वो हत्या करके आया फिर ये भी हत्यारा हुआ, लेकिन ये तो नहीं होता है। वहां सारा ज्ञान का क्रियाकलाप है सब कुछ। इसी तो ये वितराग भाव का एक नमूना है या नहीं? एक आदमी इतने व्यक्तियों के बीच कि जो राग द्वेष से लथपथ है, इधर वादी है, इधर प्रतिवादी है, इधर वकील को भी कुछ चल रहा है, भले ही निर्ममत्व भाव से चल रहा है पर चल तो रहा है ना, कि भाई मेरे को आजीविका करना है तो किसी को तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो करता है। लेकिन उससे ऊपर के आसन पर जो विराजमान है वो सर्वमान्य है, आदरणीय है। वो क्यों आदरणीय है? कि ये बिल्कुल बेदाग और बेलाग है, उसका नाम वितराग भाव है। और ये 10 लक्षण महापर्व इसका दूसरा नाम वितराग भाव। इसमें सारे के सारे 10 धर्म गर्भित हैं और 10 धर्म जो हैं वे सचमुच धर्म कोई 10 प्रकार के नहीं, सुनने की है बात, लेकिन विकार अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे व्याधियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन व्याधियों के मिटने पर उत्पन्न होने वाला स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है। तुम्हारा बुखार मिट गया, बोले हाँ मिट गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तुम्हारा जुकाम मिट गया, बोले हाँ मिट गया, क्या हुआ कि बिल्कुल स्वस्थ हो गया, स्वस्थ ही स्वस्थ। मैंने उपलब्धि में केवल एक बात और विकृति में अनेक बात। इसी तरह यहाँ विकृतियां अनेक प्रकार की हैं, वो भी चारित्र संबंधी हैं, वो भी मिथ्यात्व संबंधी नहीं है यहाँ, लेकिन चारित्र, क्योंकि मुनिराजों की चर्चा है ये, दिगंबर मुनिराजों की। हम भी अपनी शक्ति के अनुसार इनको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले उस मिथ्यात्व नाम की, ममत्व नाम की जो सबसे बड़ी अपराधनी वृत्ति है, उसको समाप्त करके इस मंगल पर्व का पदार्पण हमारे जीवन में हो, प्रारंभ हो, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पूरा परिपालन है वो मुनिराज को होता है, क्योंकि वे जज के स्थान पर हैं, वो वितराग वितरागता के स्थान पर हैं।
जिस घर को मुनिराज छोड़कर गए तो उनके बच्चे की शादी हो, उनका बच्चा तो नहीं है अब, पर फिर भी बच्चे की शादी हो तो निमंत्रण आएगा नहीं आएगा? घर वाले भी समझते हैं अब उनका हमसे कोई संबंध, और मुनिराज समझते हैं, उनसे कहा जाए आगे बच्चे की शादी है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, तो क्या मुनिराज के इतना भी भाव आएगा? होगा कैसे, किसका बच्चा था ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। तो उस समय तो आप कहते थे, उस समय कहते थे बस इतनी मूर्खता थी, उस समय भी नहीं था, क्योंकि जो होता है हमारा वो कभी हमसे विदा नहीं होता, ये नियम है, ये कानून है, ये जो हमारा है वो हमसे कभी विदा नहीं होता, जो विदा हो जाता है वो हमारा नहीं है, इसलिए वो था ही नहीं हमारा। इसी तरह जगत का कोई भी पदार्थ, कोई आवे दिगंबर संत वीतराग संत के पास, कोई आवे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, कोई आवे कोई बड़े से बड़ा धनिक बिरला जावे, टाटा जावे, तो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा जज? नहीं होगा। और यदि वास्तव में बात गलत है, उसने कोई अपराध किया है, तो तुरंत सजा सुनाई जाएगी, साहब ये तो टाटा है, ये तो बिरला है, ये तो ये है, ये जो कोई भी होंगे मेरे लिए मनुष्य से अधिक कोई नहीं, मैं तो उनका न्याय करता हूं, वो जानता है, वितराग नहीं है। अरे एक परीक्षा भवन में निरीक्षण करने वाला कितना वितराग है, खुद उसके पढ़ाए हुए लड़के उनमें से कोई लड़का खड़ा होकर पूछता है, साहब सर ये तो बता दीजिए, आपने तो साल भर तक पढ़ाया है, मेहनत की हमारे साथ, जरा ये तो बता दीजिए वरना मैं फेल हो जाऊंगा। बोले अब मेरा काम बिल्कुल नहीं, साहब मैं फेल हो जाऊंगा, आपके पैर पड़ता हूं, आपसे विनती करता हूं, मेरा वर्ष भर बिगड़ जाएगा, चुप रहो बिल्कुल बैठ जाओ वरना निकाल दिए जाओगे। अरे निर्दय है क्या? बिल्कुल निर्दय नहीं, तो दया, कि दया कोई धर्म नहीं, क्योंकि यहां दया नाम के धर्म का उपयोग कर लिया जाए तो लड़का पीछे निकाला जाएगा, निरीक्षक पहले निकाला जाएगा। जैन धर्म ने क्या बुरा कहा है कि सचमुच ये सारी वृत्तियां बंधन हैं, जीव भीतर से इनसे बंधा हुआ है, इसलिए बंधा है क्योंकि उसने इनको स्नेह दिया, इनको ममत्व दिया है, यदि वह इनके प्रति ममत्व तोड़ दे तो इन वृत्तियों का अभाव शुरू होता है और वीतराग धर्म का प्रवेश होता है। इन वृत्तियों के साथ ममत्व तोड़ना, इसका नाम सम्यक दर्शन, ये शास्त्र की भाषा। असल में मैं तो ममत्व टूटना चाहिए, कोई मेरा नहीं, केवल उस शुद्ध चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त जगत में मेरा कोई नहीं है, और इसके बाद वो धीरे धीरे आचरण की ओर, चारित्र की ओर, उस चैतन्य में लीनता की ओर बढ़ता है, और उसमें जो शांति मिलती है वो वीतराग धर्म है। इसलिए दस ही धर्म सचमुच एक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, पर्याय नहीं है बल्कि एक ही पर्याय है, उनको दस नामों से पुकारा जाता है। क्रोध मिटा उसको क्षमा कहते, मान मिटा उसको मार्दव कहते, माया मिटी उसको आर्जव कहते, सबका एक नाम स्वास्थ्य, स्वस्थ दशा प्रकट हुई है। उसी प्रकार एक ही नाम चारित्र है, चारित्र प्रकट हुआ है। देखिए पहला है ना क्रोध, तो क्रोध वो आगम की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा कर्म है, कौन से कर्म के उदय में होता है, तो चारित्र मोहनी के उदय में। तो क्रोध का जो अभाव होकर क्षमा प्रकट होती है वो कौन से गुण की पर्याय हुई, चारित्र मोहनी, चारित्र की पर्याय। क्रोध वो तो चारित्र मोहनी के उदय में होता है, तो करुणानियोग बोलता है ना, ज्यादा कठिनाई में नहीं जाता हूं क्योंकि नए नए लोग बैठे हैं, नाम ही नहीं सुना क्या चारित्र मोहनी, क्या दर्शन मोहनी, ये मोहनी जाना क्या होते हैं, हमारे यहाँ तो मोहनी लड़की है, इसलिए ज्यादा
अपन तो अपनी भाषा में बात करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो होता है तो उस क्रोध के जाने पर क्षमा का जो जन्म हुआ वो पर्याय किसकी हुई? चारित्र की पर्याय। मान गया, मार्दव प्रकट हुआ तो चारित्र की पर्याय। उस चारित्र का ही नाम मार्दव है, पर मार्दव अलग से कोई चीज नहीं, तो वो अलग से कोई चीज नहीं है। जैसे भूख, जैसे स्वस्थ व्यक्ति है ना, तो उसके क्या होता है कि वो प्रातः काल उठता है, अपनी सारी क्रियाओं से व्यवस्थित रूप में निवृत्त होता है, उसको समय पर भूख लगती है, वो भोजन करता है, समय पर पानी पीता है, समय पर शयन करता है, ये इतने काम करता है। ये सारे के सारे नाम तो इतने हैं, लेकिन इनका एक नाम क्या है? स्वास्थ्य। स्वस्थ है वे, ये सब स्वास्थ्य के प्रकार हैं। इसलिए धर्म 10 प्रकार के नहीं, धर्म तो चारित्र के नाम पर, चारित्र का दूसरा नाम वीतराग भाव, वो एक ही प्रकार का है। और उसका काम है कि वो जो चैतन्य तत्व है उसमें डुबकी लगाना, उसमें आचरण करना, उसमें लीन रहना, ये उसका काम है। और ये लीनता आनंददायिनी, आनंददायिनी में ना वो जो वास्तविक आनंद, आत्मनिर्भर आनंद, जो किसी से लिया नहीं गया है, जो किसी पदार्थ के संयोग में पैदा नहीं हुआ है, जो किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जो भीतर से पैदा हुआ है। एक तो जैसे फूल है, सच्चा फूल, वो फूल पैदा हुआ उसकी खुशबू है, और एक है प्लास्टिक का फूल जिस पर इत्र डाल दिया गया है गुलाब का, बोलो वो खुशबू कहां से आ रही है? भीतर से आ रही है, भीतर से नहीं है, वो बाहर से है, वो है ही नहीं उसकी, वो फूल ही नहीं है। हम उसको फूल कहते तो हैं आकार प्रकार के कारण, लेकिन वो भीतर से नहीं आती। इसी तरह जगत का जितना सुख वो सब इधर से आया उधर से आया, लेकिन वो सारा का सारा ऊपर ही ऊपर रहता है, क्योंकि वह हमारे भीतर की वस्तु नहीं है। भीतर जो भरा हुआ है, अरे भीतर जब भरा हुआ है तो बाहर से इधर उधर से क्यों बटोरते हो? ये तो कंगाल ही है। जब तुम्हारे पास है तो उससे काम क्यों नहीं लेते हो? जब तुम्हारा टिफिन है तो उसे क्यों नहीं खोलते हो? दूसरे का क्यों खुलवाते हो? कि आपका खोलो ना, तेरा क्या काम आएगा? ये तेरी रोटियां बासी हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, ये तेरा क्या काम आएगा? नहीं नहीं आप तो आपका खोलो। ये रेल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं,